हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। तो कल के क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, फिर उन्हीं का हमने रियल नंबर्स में देखा था, मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। उसके आगे अब हम लिखते हैं नेक्स्ट इज जो तुम लोगों ने पढ़ा है 9th-10th में, दैट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे हम इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से, उसी तरीके से रैशनल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर क्यू, ठीक है, कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। होता क्या है, ये तुमने बचपन में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी रैशनल नंबर की, कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड माई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद उसी डेफिनेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना लिखना सफिशियंट है क्या जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ तो आंसर मिलेगा नहीं। द रीजन इज क्यू जीरो भी अलाउड नहीं है ना, बिकॉज 1/0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जीरो लिखना मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, दैट इज इट इज अनडिफाइंड। सो यू हैव टू मेंशन दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बिकॉज पी और क्यू इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स तो जीरो भी होता है, तो इसलिए वी हैव टू मेंशन दैट डिनोमिनेटर जो मैंने लिखा क्यू दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसी को अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स पहले तो, फिर कोलन, सच दैट माई एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू कॉमा, अब कंडीशंस लिख देते हैं, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर ऑल्सो कॉमा करके क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज व्हाट, यही डेफिनेशन को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हूँ, कैसे रीड करेंगे देखो, क्यू इसको ऐसे लिख लो, दैट इज माई सेट क्यू, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स कोलन सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। गेटिंग इट, क्लियर हुआ, चलो अब आते हैं इसका अपोजिट, दैट इज इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। वैसे रैशनल नंबर तो क्लियर है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2/3 लिखा, 5/4 लिखा, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स दैट यू कैन सी कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ इरेशनल नंबर्स पे। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमने कल की क्लास में देखा था रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट इज आर, वो तो दोनों को मिला के होता है, मतलब ऑल रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जो मेरे ऑल रियल नंबर्स है दैट इज रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। तो अब मेरे को रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, तो मैं इधर से लिख सकता हूँ, इरेशनल नंबर इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, वो सारे रियल नंबर्स में से मैं रैशनल नंबर हटा दूंगा तो व्हाट आई लेफ्ट आउट इज नथिंग बट इरेशनल नंबर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या सिंबल यूज होता है जनरली, क्यू और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं क्यू, क्यू तो क्या हो गया रैशनल के लिए, इसके ऊपर मैंने एक बार लगा दिया। इन सम ऑफ द बुक्स यू मे फाइंड दिस ऑल्सो नोटेशन क्यू, और ऊपर इधर लगा दिया सी, स्मॉल सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, वो बार भी वही काम करता है, कॉम्प्लीमेंट लेता है, मतलब अपोजिट, तो क्यू का अपोजिट मतलब क्यू बार, सिमिलरली क्यू सी। और एक और तरीके से हम इधर से कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम इरेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं क्यू से, तो गेटिंग इट, इन ऑल द थ्री वेज वी कैन राइट अवर इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया था इरेशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर इज व्हाट इरेशनल नंबर। अब बेसिक डेफिनेशन क्या है इरेशनल नंबर की वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। ठीक है,
ठीक है. तो अपन ने इरेशनल नंबर देखा कि इट इज डिनोटेड बाय क्यू बार या फिर क्यू सी या फिर आर माइनस क्यू. अब होता क्या है, तो लिख लो एक बहुत छोटी सी ये डेफिनेशन तुम भी पढ़े होगे इरेशनल के लिए. नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो लिखो नॉन टर्मिनेटिंग स्लैश नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग स्लैश नॉन रिपीटिंग आर नथिंग बट माई इरेशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ इसको, जो कभी ख़त्म ना हो, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, जो कभी ख़त्म ना हो. मतलब क्या हुआ, जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं रूट टू, तो हम क्या लिखते हैं 1.414 इतना लिख देते हैं, बट एक्चुअली इधर तक नहीं होता ये, इसके आगे भी ये कंटिन्यू रहता है. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होता इसके आगे डेसिमल के बाद, इट्स कीप ऑन रिपीटिंग. ठीक है. एंड नॉन रिपीटिंग मतलब जो कभी रिपीट ना करे, जो कभी रिपीट ना करे, दैट इज व्हाट माय इरेशनल नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल यही नंबर्स मान लो जो रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि हम देखेंगे कि जो रिपीट करते हैं ना वो बेसिकली रैशनल्स होते हैं, और उनका हम कन्वर्जन भी सीखेंगे जो तुमने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा है. ठीक ना. बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट. तो मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो. जैसे रूट टू है, हम लिखते तो हैं 1.414, बट एक्चुअली इट इज नॉट 1.414, इसके आगे भी ये इंक्रीज होता जाता है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला. सिमिलरली लेट से मैंने रूट थ्री लिखा, दैट इज ऑल्सो 1.73 एंड सो ऑन, सो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग. सो ऑल दीज आर माई इरेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल एक हमारा स्टैंडर्ड बहुत कॉमन पाई, तो पाई क्या होता है 3.141 एंड सो ऑन, दैट्स इट. तो दिस इज अगेन इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला है. अच्छा कोई बोलेगा कि सर पाई तो वैसे हम लिखते हैं 22/7, और ये तो पी वाई क्यू फॉर्म में है, और पी एन क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा बताओ, इसमें क्या गड़बड़ है. अगर मैंने इस ऐसे लिख दिया तो मेरा पाई क्या हो जाएगा, इट इज रैशनल. बट मैं बोल रहा हूँ कि पाई जो है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज इरेशनल नंबर. सो विच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. एक्चुअली जो हम लिखते हैं 22/7, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. देयरफॉर आई विल से द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दिस 3.141 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. हेंस माय नंबर पाई इज व्हाट इज अ इरेशनल नंबर. और एग्जांपल लिख लेते ई, आगे चल के पढ़ोगे तुम लॉग में आता है, नेचुरल जो हमारा नेचुरल लॉग होता है उसमें एक तो बेस 10 होता है और एक बेस ई होता है. इसको वैसे लिख लो, अगर लिखना है अभी के लिए, इट इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट. तुम में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, लॉग का बेस के लिए यूज करते हैं हम. ठीक है. तो ये भी 2.71 एंड समथिंग होता है, तो इट इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कभी खत्म होने से रहे. देयरफॉर दीज ऑल आर माय इरेशनल नंबर्स. आई होप एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने बोला कि ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. एक बार रिपीट वाला एग्जांपल देख लेते हैं. अच्छा, अब मैंने जब तुम्हें लिखवाया कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट ना करे, इसका मतलब जो रिपीट कर रहा है आफ्टर डेसिमल, जो रिपीट कर रहा है वो मेरे रैशनल नंबर होना चाहिए. तो इसलिए हम 9th-10th में क्या पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कन्वर्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 8. लेट्स से ऐसे लिख लेता हूँ 9.8 bar. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 9.8888 एंड सो ऑन डैश. सो दिस इज माय रैशनल नंबर, दिस इज माय रैशनल नंबर. अच्छा, अगर रैशनल नंबर है इसका मतलब मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाऊंगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब हम 9th-10th में पढ़ते हैं कि कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो ऐसे एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं इसको. मैं लिखा कन्वर्ट 9.8 bar इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. मेंशन दैट ऑल्सो. ठीक है ना, देखो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो वीडियो पॉज करो, अगर तुम्हें याद हो 9th-10th में जो तुमने पढ़ा है, यू कैन स्टार्ट विद दैट. ठीक है ना, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान होता है. ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ध्यान देना, और जिन्होंने पढ़ा है वो भी ध्यान दो. ठीक है, तो मैंने मान लिया एक मिनट के लिए इसको x इज इक्वल टू 9.8 bar. ठीक है,
अब हमने क्या किया, इस बार को ओपन किया. ओपन किया मतलब बार को हटा के व्हाट विल डू, इट इज रिपीटिंग. मतलब 9.8 बार मतलब क्या, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 9.88888, इट विल कंटिन्यू. सो व्हाट आई कैन राइट, x इज इक्वल टू 9.8888 एंड सो ऑन, डैश. नाउ व्हाट, अब मैंने क्या किया, इस x को 10 से मल्टीप्लाई किया. अभी समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इट विद 10. तो RHS में क्या, LHS में क्या बनेगा, 10x. तो मैंने लिख लिया 10x इज इक्वल टू RHS में क्या बनेगा, देखना. जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 98.8888 एंड सो ऑन, डट 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 डैश. नाउ व्हाट आई विल डू, आई सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. 1 को मैं 2 में से घटा रहा हूँ, 10x माइनस x. इन द LHS व्हाट यू विल गेट इज 9x इज इक्वल टू, एंड हियर व्हाट यू विल गेट, अब देखना ध्यान से, ये डेसिमल तो इस स्टेप से कैंसिल हो जाएंगे इन डेसिमल से, तो 98 माइनस 9 बचेगा एंड विच इज नथिंग बट 89. 98 माइनस 9 89, सो यू आर लेफ्ट आउट विद 89. सो फाइनली यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 89/9 एंड दिस इज माय आंसर, बिकॉज x इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड माय q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, मुझे पता है ये बहुत ईजी लग रहा होगा तुम्हें, बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के, बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है ना. बट फिर भी मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है ना. तो आई एम स्टार्टिंग इट लाइक दिस वे ओनली. चलो आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं. पॉज करो, इसको कॉपी करो, और बेटर है कि खुद से करो. एक बार देखने देख लिया तो भी जस्ट कॉपी मत करो, खुद से करो. कहीं अटक रहे हो तो बोर्ड पे देखो, ठीक है ना. चलो एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं. अब दो रिपीट वाला लिख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कन्वर्ट, ये सेकंड हो जाएगा हमारा, और लेट्स से 7.65, और 65 दोनों के ऊपर बाल लगाया, ठीक है ना. इसको जैसे कि मैंने, तुम लोग करो वीडियो पॉज करो, एक बार करके करो एक बार. x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 7.65 का बार, ये मैंने एज्यूम किया x को. मुझे x निकालना है, x को मुझे p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है. तो आई राइट इट लाइक दिस वे, x इज इक्वल टू 7.65, 65, 65, 65, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, दिस द मीनिंग. अब मैंने किया, इंस्टेड ऑफ 10 किससे मल्टीप्लाई करूँ, खुद उसको सोचो. वीडियो पॉज करके मुझे, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं इस इक्वेशन को, लेट से मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, एंड व्हाट आई वांट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, इसी से पता चलेगा कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, बिकॉज एनी हाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. तो अब मेरे को सब्ट्रैक्शन ऐसा करना है कि डेसिमल के बाद यू शुड गेट 0000. तो व्हाट आई वांट कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इधर कुछ नंबर हो, 0.656565 ऐसी चीज जनरेट हो जाए, सो दैट ये जो 0.656565 है वो इससे कैंसिल हो जाए. तब खुद सोचो कि मैं क्या करूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ क्या, नहीं. इफ आई मल्टीप्लाइड विद 10 विल यू गेट दिस थिंग आफ्टर डेसिमल, नो, यू विल गेट हियर 565, 5 से स्टार्ट होगा. बट आई वांट टू स्टार्ट आफ्टर डेसिमल, आई वांट जस्ट 6 आफ्टर डेसिमल, जस्ट आफ्टर डेसिमल आई वांट 6. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 100. तो दो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे ना, आई विल मल्टीप्लाइड विद 100, तो आई विल गेट 100x एंड हियर आई विल गेट 765.6665665. सो यू गॉट द आइडिया कि मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए, ठीक है. चलो अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, व्हाट यू विल गेट, 100x माइनस x 99x, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस ये से कैंसिल हो जाएगा, 765 माइनस 7 760, 758, विल गेट 758. तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, x इज इक्वल टू 758 डिवाइडेड बाय 99. दिस इज व्हाट माय नंबर x विच इज 7.65 का होल बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. आई होप समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे देता हूँ फॉर होमवर्क क्वेश्चन, एंड अगेन सी हियर, अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे पा रहा हूँ इन केस, तो यू शुड आस्क इन द डाउट सेशन. और मैंने वैसे भी मैडम को बोला है कि इंस्टेड ऑफ 2 डाउट सेशन थोड़े डाउट सेशन बढ़ा दो इनको. यू कैन मतलब तुम्हें डाउट सेशन की शायद लेंथ कम मिलेगी, बट मेरा सजेशन था मैडम को, प्रिंसिपल मैम को, कि इंस्टेड ऑफ 2 डाउट सेशन 3 or 4 डाउट सेशन होना चाहिए वीक में. ठीक है, डाउट सेशन लेंथ हम छोटा कर देंगे, बट सो दैट क्या होगा ना, डाउट्स कैरी नहीं होंगे बिकॉज टीचर्स वर बिजी होल डे, ठीक है ना. सो कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, और इनकेस कभी बहुत पीछे हो जाता है मैसेज, तो हम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो रिप्लाई नहीं देख नहीं पाते. तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या होगा कि डाउट सेशन होगा तो तुम्हारी रेगुलरिटी बनी रहेगी,
तो तुम उसी दिन क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। नहीं तो सब क्या होता है, व्हाट्सएप टीचर को कर दिया और टीचर ने देखना भूल गया या कहीं बिजी हो गया, और फिर बहुत पुराना हो जाता है तो वैसे भी हम लोग रीड नहीं कर पाते हैं, मिस हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट डाउट सेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को मैंने सजेस्ट किया है मैडम को, देखते क्या होता है, यू विल गेट अपडेटेड टाइम टेबल फॉर दैट, ठीक है ना, लेटर ऑन। चलो तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा था, तो मैं क्या देखो, मैं कहा 5.675 बार। अब मैं देख रहा हूँ इधर क्या किया, मैंने 75 पे बार लगाया, 6 पे नहीं लगाया है। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस, देखना क्या करना है, 10 से करना है, 100 से करना है, दैट इज योर ड्यूटी। मैंने इतना बता दिया बस, 5.675 बार, इसका मतलब क्या वो लिख देता हूँ मैं, 5.6 और 7575 रिपीट होगा केवल, क्योंकि बार जो लगाया वो 75 के ऊपर लगाए, 7575 75 75 एंड सो ऑन डैट डैट डैश। दिस इज वॉट माई एक्स, मुझे इस एक्स को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यू हैव टू सी कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और फिर सब्ट्रैक्ट करूँ, कीपिंग दैट इन माइंड कि मुझे डेसिमल के बाद सारी चीज़ें जीरो चाहिए, ठीक है ना, वो दिमाग में कंसेप्ट रखना, यू विल गेट इट। नहीं आता है तो मुझसे डाउट सेशन में पूछो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर, अब थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स, अगेन सम मिसलेनियस पॉइंट्स बोल सकते हैं, या सम मिसकंसेप्शंस जो बच्चों को रहते हैं इन द 9th और 10th क्लास, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो उसमें सबसे पहले एज एग्जाम्पल ही लिखूंगा मैं, नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको तुम, सम मिसलेनियस पॉइंट्स या फिर सम मिसकंसेप्शंस, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा लेट्स से मेरा सेट ए है, मैंने लिखा 5 ओपन से 6, चलो 6 की जगह मैंने लिख लिया 5 ओपन से 8 ओपन। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें इतना बोला कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सेट, मैंने बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ए, टेल मी। वीडियो पॉज करो, सोचो, बहुत से बच्चे इसके गलत जवाब देते हैं, बहुत से, व्हेन आई आस्क इन द क्लास ना, फिजिकली जब बच्चे प्रेजेंट होते हैं सामने, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर 8, विच इज रॉन्ग। क्यों भाई रॉन्ग क्यों है, द रीजन इज 8 रॉन्ग इसलिए बिकॉज 8 तो जो 8 है ना, सॉरी 8 जो है वो तो सेट ए में प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज 8 पे तो ओपन लगा हुआ है, बिकॉज 8 पे तो ओपन लगा है, तो 8 तो है नहीं, तो 8 कैसे बोल सकते हैं। समझ में है मैं क्या बोला, कि अगर मैंने बोला कि ये एक सेट है कैपिटल ए, इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट माइट गिव द आंसर 8, विच इज 100% रॉन्ग। द रीजन इज 8 पे तो ओपन लगा है, तो 8 तो मेरा है ही नहीं, सेट ए के अंदर है क्या 5 और 8 के बीच के सारे नंबर, 5 और 8 नहीं है, बिकॉज 5 पे भी ओपन है, 8 पे भी ओपन है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है बेसिक्स में, ठीक है। तो फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर 8 से जस्ट छोटा, 8 से जस्ट छोटा, तो फिर मैं उससे पूछूंगा 8 से जस्ट छोटा मुझे तो नहीं पता, तुम बता दो क्या नंबर होता है, तो वो बोलेगा 7.9 लिख लो सर, तो मैंने बोला अगेन रॉन्ग। क्यों भाई 8, उसने बोला कि 8 से जस्ट छोटा 7.9, तो मैंने बोला नहीं 8 से जस्ट छोटा, 8 से जस्ट छोटा तो ये भी हो सकता है 7.99, तो कोई बोलेगा सर इसको लिख लो फिर, मैंने बोला नहीं ये भी गलत है, फिर मैंने बोला कि चलो ये और ज़्यादा क्लोज है 8 के, फिर कोई बोलेगा कि सर ठीक है ये लिख लो, तो मैं बोलूँगा नहीं, फिर ये लिख लिया मैंने। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कैन यू कंक्लूड दिस स्टेटमेंट व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैंने जो बताया तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इससे कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा है। इससे कंक्लूजन ये है, मैं बता रहा हूँ कि 8 से जस्ट छोटा नंबर वी कैन नॉट टेल, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, 8 से जस्ट छोटा नंबर वी कैन नॉट टेल। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ 8 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, दैट इज 7, दैट इज 100% करेक्ट, बट मैंने बोला 8 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, देन आंसर इज अनडिफाइंड। मैंने बोला 8 से जस्ट छोटा नंबर, 8 से जस्ट छोटा नंबर इज नॉट डिफाइंड। अब कोई बोला सर 8 ही क्यों लिया, 9 ले लो, हाँ 9 ले लो, इसको तो मैं जनरलाइज कर दूंगा, 8 की जगह मैं कोई भी एक रियल नंबर ले लूंगा, लेट्स से अल्फा, फिर मैं क्या स्टेटमेंट लिखाऊंगा जनरलाइज कि अल्फा से जस्ट छोटा, या फिर अभी हम पढ़ेंगे बड़ा, दोनों ही नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं। ये क्लियर हुआ बच्चों, मैंने बोला 5 ओपन से 8 ओपन था, तो 8 तो बिल्कुल ही गलत है, और फिर किसी बच्चे ने बोला 8 से जस्ट छोटा नंबर ले लो, फिर मैंने उससे पूछा 8 से जस्ट होता क्या है, तो वो बोलेगा 7.9, मैंने कहा नहीं 7.99 भी तो है, फिर उसने बोला 7.99, मैंने कहा उससे छोटा तो फिर 7.999 है,
तो लाइक दिस वे इफ आई टेल देन व्हाट इज द कंक्लूजन. कंक्लूजन इज कि 8 से जस्ट छोटा नंबर डिफाइन ही नहीं है. बता दो जिसने बताया मुझे उसको एक कैडबरी. ठीक है, मैंने बोला कि जिसने बताया मुझे 8 से जस्ट छोटा नंबर उसको एक कैडबरी, बिकॉज यू कैन नॉट टेल, इसलिए मैंने कैडबरी बोला है. ठीक है ना, ठीक है ना, कि 8 से जस्ट छोटा नंबर हम बता ही नहीं सकते. तो मैं व्हाट, फिर मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सेट. आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट. लिख लो इसको, 8 से जस्ट छोटा नंबर. मैंने बोला लार्जेस्ट नंबर इन दिस सेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 8 से जस्ट छोटा. लेकिन 8 से जस्ट छोटा डिफाइन नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट. 8 से जस्ट छोटा नंबर इसमें बोला, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है. कोई ने बोला लार्जेस्ट एलिमेंट है 7.9, तो मैं बोलूँगा 7.99 उससे बड़ा है वो इसमें है. कोई बोलेगा 7.99, तो फिर मैंने बोला 7.999. ऐसे मैं बढ़ाते जाऊँगा 7.99999999. मैंने 1,00,000 बार लिख दिया, 1,00,000 टाइम्स, 1,00,000. फिर बोलो ये सबसे बड़ा नंबर है, तो भैया कोई बोलेगा नहीं, मैं 999 को 1,00,00,000 बार लिख दे रहा हूँ, 1,00,00,000 टाइम्स. तो ये और उसके 8 के नज़दीक आ गया. सो ऐसे मैं जाता जाऊँगा, उसका कोई अंत नहीं है. हैंस व्हाट आई विल कंक्लूड, कि इस सेट के अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट डिफाइन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, सिमिलरली पहले कॉपी करो इसको, वीडियो पॉज करो. सिमिलरली व्हाट आई विल से फॉर द स्मॉलेस्ट, सिमिलरली आई विल कॉल फॉर स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट लिख लो. स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ए. देन अगेन माई आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट. द रीजन इज 5 तो होगा ही नहीं. 5 क्यों नहीं होगा, बिकॉज 5 पे तो ओपन है. फिर कोई बोलेगा 5 से जस्ट बड़ा ले लो, फिर मैं क्या बोलूँगा, 5 से जस्ट बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा क्या होगा, अगेन डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों, क्योंकि अगर कोई ने बोला 5.1 ले लो, तो मैंने बोला नहीं, इससे बेटर तो फिर ये है 5.01, फिर इससे बेटर तो 5.001 है, फिर इससे बेटर तो 5.0001 है. ऐसे करते करते मैं 5 के मोर क्लोज, ज़्यादा क्लोज जाते जा रहा हूँ ना, इसका कोई लिमिट तो है नहीं. हैंस व्हाट आई विल से, 5 से जस्ट बड़ा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DNE, तुम लोग पूरा लिख लेना, डज नॉट एग्जिस्ट. 5 से जस्ट बड़ा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. तो देन हेयर माई आंसर. ये अगर मैं बोलूँ कि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो लैंग्वेज फॉर्म में बोलूँ कि 5 से जस्ट बड़ा तो करेक्ट है, बट 5 से जस्ट बड़ा नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट. इसलिए मैं क्या बोलूँगा, द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस सेट डज नॉट एग्जिस्ट. गेटिंग इट. तो फाइनली आई एम मेकिंग अ कंक्लूजन, कंक्लूजन फ्रॉम दिस इन फॉर्म, इन सम वेरिएबल फॉर्म. इधर तो मैंने 5 ले लिया, 8 ले लिया, मैं एक जनरलाइज करना चाह रहा हूँ. तो मैं क्या बोलूँगा, देखना, द नंबर जस्ट ग्रेटर और जस्ट स्मॉलर देन अ गिवन नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, मतलब एक गिवन नंबर अल्फा, अल्फा इज सम फिक्स नंबर, लेट्स से अल्फा मैंने 8 ले लिया, 9 ले लिया, कुछ भी. और कोई ने मुझे बोला अल्फा से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, तो आई विल सिंपली से डज नॉट एग्जिस्ट. अल्फा से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, सिंपली आई विल से डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना, तो नंबर जस्ट ग्रेटर और जस्ट स्मॉलर देन अ गिवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर हुआ बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट नोट. ठीक है ना, छोटा सा नोट था बट वेरी इंपॉर्टेंट नोट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने बोला कि मैंने कोई भी दो नंबर लिए ना, रियल लाइन पे कोई भी दो नंबर लिए, उन दो नंबर्स के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने नंबर लिया 2, 5 और 6. ये नोट के फॉर्म में लिखेंगे हम. क्या बोल रहा है ये नोट, कि रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे अगर मैंने कोई भी दो नंबर लिए, उन दोनों नंबर्स के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल इधर मेरा 5.1 है, 5.2 है, 5.23 है, 5.24 है, 5.25, 5.6, 5.9, 5.9473 एंड सो ऑन. सो यू कैन सी दीज आर व्हाट, इनफाइनाइट नंबर्स, वी कैन नॉट काउंट. ठीक है ना, जैसे इरेशनल, जैसे जितने मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट रैशनल होंगे प्लस इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बीच में तुम्हारा नंबर आएगा 5.13479, ऐसे रिपीट हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. सो दिस इज बिटवीन दिस, दीज टू नंबर्स.
So this is what irrational, because it is non-terminating. So what I am concluding in this note is, between any two number on a real line, likh lo, between any two numbers on a real axis, between any two number on real axis, there exists infinite rational and infinite irrational number. Getting the point? Between any two numbers on real axis, there exist infinite rational and infinite irrational numbers. Clear हुआ बच्चों? ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब देख लेते हैं कुछ infinity के ऊपर points. ठीक है ना? Again a very simple points. जैसे generally जो misconception होता है बच्चों का, इसलिए मैंने heading बोला था कि miscellaneous points करके भी लिख सकते हो या सब misconceptions. जैसे in 9th or 10th or in maybe in physics you are seeing something like this. 1 upon 0 is equal to infinity. ठीक है ना? But now what I am, from now onwards, जब मैंने पढ़ाना start कर रहा हूँ, आज से कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे. This is actually wrong. The reason is, 1 upon 0 is undefined, not infinity. तो सर बोले सर ये गलत पढ़ा है क्या? गलत पढ़ा नहीं है, सब पढ़ा तो सही है, बट वो ये नहीं होता. वो होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है ना? वो होता है 1 upon very very small number is equal to very very big number. This is the correct statement. क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो लिखना तो बिल्कुल ही गलत है. इट इज़ नॉट अलाउड टू राइट जीरो इन द डिनोमिनेटर. वो एक्चुअली जीरो नहीं होता. जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, अप्रोक्सीमेट करते हो चीज़ों को, ठीक है ना, वो जीरो नहीं होता. वो एक्चुअली होता है वेरी वेरी स्मॉल नंबर. दैट इज जीरो अप्रोचिंग. द करेक्ट वर्ड इज जीरो अप्रोचिंग. मतलब मैं इसको, ये तो रॉन्ग लिखा मैंने, इसका करेक्ट तरीका क्या है? 1 upon 0 अप्रोचिंग. अप्रोचिंग के लिए मैं एरो लगाता हूँ. दिस थिंग यू विल सी इन चैप्टर लिमिट्स इन कैलकुलस इन स्टैंडर्ड 12. बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट लिसन. 1 upon 0 अप्रोचिंग. मैं इसको रीड कैसे बोल रहा हूँ, लिख लेना, जीरो अप्रोचिंग. दिस इज नॉट जीरो. जीरो तो लिखना अलाउ नहीं है. जीरो अप्रोचिंग है मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है. अब जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब बहुत छोटा नंबर है. सो आई विल से दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी अप्रोचिंग. इन्फिनिटी को ये अप्रोच करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 upon 0.00000, ऐसे 100,000 बार जीरो लिख दिया, फिर 1 लगा दिया, फिर ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा 1 0 0 0 0, बहुत सारे जीरो आ जाएंगे. नाउ यू कैन सी 1 upon बहुत छोटा नंबर इस बहुत बड़ा नंबर. सो वी आर कॉलिंग, जो हमने इधर लिखा था एक्चुअली वो, इसको हम जीरो बोल रहे थे. तो क्या ये जीरो है? नहीं, ये जीरो अप्रोचिंग है. एंड क्या ये इन्फिनिटी है? नहीं, ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग. बहुत बड़ा नंबर मतलब इन्फिनिटी अप्रोचिंग. गेटिंग इट? इन्फिनिटी. तो अब से जब भी हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, 1 upon 0 हमारे लिए इट इज़ अनडिफाइंड. प्योरली लिख लो क्लियरली, 1 upon 0 इज अनडिफाइंड. इट इज़ नॉट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्या है? बेसिकली एक नोशन है. मतलब कहने का मेरा मतलब है उस एक ऐसा नंबर, मतलब हम कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वी कैन नॉट लोकेट द इन्फिनिटी ऑन नंबर लाइन. ठीक है ना? मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ को हमने बस एक बोल दिया कि भाई ये तो इन्फिनिटी है. गेटिंग? इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती. अगर होती इन्फिनिटी तो हम नंबर लाइन पे लोकेट कर पाते ना, बट इन्फिनिटी को हम नहीं लोकेट कर सकते नंबर लाइन पे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है वो. गेटिंग इट? चलो तो सिमिलरली इसी का उल्टा लिख लेते हैं एक बार. पहले तो तुम इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके. ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ उसका उल्टा. मतलब 1 upon infinity जो तुम पढ़ते हो, 1 upon infinity is zero. This is also again wrong statement. Correct statement क्या है? 1 upon very big number is equal to very very small number. Very small number. ठीक है ना? Just like 1 upon मैंने लिख लिया ऐसे करोड़ों लिख दिया, तो what you get? 0.00000000. बहुत छोटा नंबर मिलेगा ना. सो दिस इज़ द करेक्ट वे. 1 upon very big number. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा होता है 1 upon very big number, उसको मतलब मैं ऐसे लिख देते हैं इन्फिनिटी अप्रोचिंग. तो दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो अप्रोचिंग. एरो मीन्स अप्रोचिंग, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है. इज नॉट एग्जैक्ट जीरो. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. गेटिंग इट?
आई होप समझ में आया हुआ जीरो, ठीक है ना ये चीज़ें। चलो आगे मूव करते हैं, पॉज करो, कॉपी कर लो इसको। अब एक इस पे एक सिंबल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द सिंबल इज नोट के फॉर्म में लिखेंगे एज ए नोट ओनली। ये सिंबल है, इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज मतलब इसको मैं इस फ्रेज को मैं हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा देखना। इसका अभी समझाऊंगा क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका यह मतलब है ये बस। अभी तुम इसके लिए याद रखो कि इस सिंबल को हम इंग्लिश में तो बोलेंगे दिस इंप्लाइज, हिंदी बोलेंगे इसका यह मतलब है कि, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 5, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। टेल मी इज इट अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, इज इट अ ट्रू और फॉल्स। पॉज करो, सोचो इसको। अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसे अब मैं इसको रीड कैसे करूँगा देखना। इफ मतलब अगर, अगर एक्स 5 होगा, अगर एक्स 5 होगा इसका ये मतलब है, मैंने इस एरो को इस फ्रेज से रिप्लेस कर दिया, इस एरो को इस फ्रेज से मैंने बोला अगर एक्स 5 है इसका ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर 25 होगा। परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक्स 5 होगा तो इसका मतलब यही है ना, एक्स स्क्वायर 25 होगा। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, लिख लो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। फिर मैंने बोला इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 5। अब सोचो, कुछ नहीं उल्टा कर दिया मैंने चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब रीड करो, तुम तो रीड करो हिंदी में तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मैंने इसको कैसे रीड करूँगा हिंदी में? अगर एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है इसका मतलब ये है कि एक्स 5 होगा। नहीं, एक्स तो माइनस 5 भी हो सकता है। दिस डज नॉट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 5 और माइनस 5। हेंस एट प्रेजेंट जो भी लिखा है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। Getting the thing? This is a true statement, this is a false statement. Clear हुआ? चलो अब और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला if x square is equal to 25, this implies x not equals to 5. सोचो, उसी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं, आराम से रीड करो, पॉज करके इसको हिंदी में रीड करो, 100% क्लियर हो जाएगा हिंदी में। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला अगर x स्क्वायर 25 के बराबर है इसका मतलब ये है कि x 5 के बराबर नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि x 5 के बराबर भी हो सकता है, माइनस 5 के बराबर भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि x 5 नहीं होगा, गलत है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो पॉज करो, एक बार खुद से सोचो। दिस ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट है नहीं। अगर तुम हिंदी में रीड कर रहे हो ना इसको पूरा, बस मैंने बोला इस एरो को जो सिंबल है इसको तुम इस फ्रेज से रिप्लेस करो। इसका मतलब यह है कि x 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? x 5 हो सकता है, इसलिए दिस इज फॉल्स। गॉट इट? चलो अब एक थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देते हैं इसमें एग्जाम। मतलब इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एरो के ऊपर ऐसे लगा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका यह मतलब नहीं है, मतलब दिस डज नॉट इम्प्लाइज, दिस डज नॉट इम्प्लाइज, मतलब नहीं हो रहा जाएगा इधर वर्ड। मैंने क्रॉस कर दिया ना, अब रीड करो। अगर एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स 5 नहीं होगा, सॉरी इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स 5 होगा। इज इट अ करेक्ट और नॉट? नाउ इट इज़ योर होम, यू शुड टेल मी डाउट सेशन, ठीक है ना। डाउट सेशन में मुझे देखते कौन बताएगा इसका आंसर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? अगर एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है दिस डज नॉट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब हल्का सा मॉड और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे लेक्चर, ठीक है ना। थोड़ा सा मॉड के बारे में तो लिख लो, हाउ टू ओपन अ मॉड, हाउ टू ओपन अ मॉड।
ठीक है ना, जैसे अपन लोग 9th 10th में पढ़ते हैं, जनरली बच्चों का हैबिट होता है, कैसे लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, विच इज रॉन्ग। अब से हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मॉड एक्स इज नॉट सिंपली प्लस माइनस एक्स, देर इज सम कंडीशन कि प्लस एक्स बोले या माइनस एक्स, ऐसे नहीं लिखेंगे प्लस माइनस एक्स। तो कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। तो मैंने बोला इसको समझने के लिए पहले मैंने ऐसे लिखा मॉड एक्स इज या तो एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, कब होगा वो डिसाइड करते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने बोला एक मिनट के लिए मैं एक्स को कुछ वैल्यू रखता हूँ, एक्स को कुछ वैल्यू रख रहा हूँ, लेट्स से मैंने एक्स इज इक्वल टू टू रखा, तो इधर तो मॉड मॉड क्या करेगा बेसिकली उस चीज़ को पॉजिटिव बना देता है, इतना याद रखना बस, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इधर मैंने टू रखा तो यू विल गेट एलएचएस, यू विल गेट टू हियर, यू विल गेट टू हियर, यू विल माइनस टू, तो मतलब कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है। कब, जब मैंने एक्स को टू डाला, अब पूरा स्टेट दो ना, अब मान लो मैंने इधर एक्स को माइनस टू डाला दोनों साइड, तो मॉड ऑफ माइनस टू इज टू, और इधर मैंने माइनस टू डाला तो इधर माइनस टू आ गया, इधर माइनस ऑफ माइनस टू, इधर टू आ गया, तो अब ये करेक्ट आ गया। इसका मतलब कभी तो ये सही है कभी ये सही है, वो कभी कब है, वो कभी की कंडीशन क्या है, वो कभी की कंडीशन ये है, देखना ध्यान से, मैंने टू डाला था तो ये करेक्ट आ रहा था, माइनस टू डाला तो ये करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये कब करेक्ट होगा, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव बोल दो, मतलब जीरो भी चलेगा, और दिस ये कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। रख के देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स कोई भी नेगेटिव नंबर डाला, तो नेगेटिव डालूंगा तो जैसे मैंने माइनस फाइव डाला, तो व्हाट यू विल गेट हियर इज माइनस फाइव का बॉन्ड विच इज फाइव, एंड हियर यू विल गेट माइनस ऑफ माइनस फाइव विच इज फाइव, सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन इफ आई विल पुट एक्स नेगेटिव, इफ आई विल पुट एक्स पॉजिटिव देन ऊपर वाला डेफिनेशन इज करेक्ट। तो अब से हमारे लिए ऐसे ओपन किया करेंगे मॉड को, मॉड एक्स इज नॉट सिंपली प्लस माइनस एक्स, देर इज सम कंडीशन कि जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिन एक्स के लिए वो पॉजिटिव है, सुनना ध्यान से, जिन एक्स के लिए हम क्या देखेंगे, ये जो मॉड के अंदर जो भी लिखा है ना वो पॉजिटिव कब है, वो पॉजिटिव जिन एक्स के लिए है उनके लिए तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और जब मेरा मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है जिन एक्स के लिए, उन एक्स के लिए मॉड जब ओपन होगा ना तो एक बाहर माइनस साइन लग जाएगा। इसको लिख लो पहले, तो ऐसे लिखो, नहीं तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ एक बार और। मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसको ओपन करना है, माय अल्टीमेट टारगेट इज व्हाट टू ओपन द मॉड, मतलब कुल मिला के मेरा काम क्या है, मॉड को हटाना है। तो कैसे हटाऊं, मैंने क्या बोला अभी सुनना ध्यान से सुनना, शुरू में मैंने बोला एक्स माइनस थ्री को फोकस करो, मैंने कहा एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव कब होगा, एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव है, तो क्या करूंगा x ग्रेटर देन 3 के लिए मॉड को डायरेक्टली ओपन कर दूंगा, मतलब x माइनस थ्री एज इट इज, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और एक माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा, कब, व्हेन x इज लेस देन 3। कॉपी दिस पार्ट, मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, बट इट विल बी क्लियर धीरे धीरे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है अभी, मॉडलस इनइक्वालिटीज वगैरह जो हमारा फाइनल टारगेट है। अभी के लिए मैंने क्या बोला, मॉड को कैसे ओपन करना है, एक बार और, मॉड के अंदर जो भी लिखा है ना तुम देखो कि मॉड के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव किन एक्स के लिए है, वो एक्स के लिए मॉड को डायरेक्टली हटा देंगे, ऐसे लिख लो, चलो मैं लिख रहा हूँ इधर हिंदी में, मॉड के अंदर ऐसे लिखो प्रॉपर, मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जिन एक्स के लिए पॉजिटिव है उन एक्स के लिए मॉड विल ओपन डायरेक्टली, मॉड विल बी ओपन डायरेक्टली, मॉड विल बी ओपन डायरेक्टली, गेटिंग इट, मतलब मैंने क्या कहा, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब फॉर एग्जांपल इधर एक्स माइनस थ्री, दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, मैंने बोला जिन एक्स के लिए ये पॉजिटिव है ना, और ये किन एक्स के लिए पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, उन एक्स के लिए तो हम क्या करेंगे, मॉड को डायरेक्टली ओपन कर देंगे, और जिन एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, लिख लेना इसी को, मॉड के अंदर ये एक्सप्रेशन जिन एक्स के लिए नेगेटिव है उनके लिए मॉड क्या होगा, मॉड विल ओपन विद द नेगेटिव साइन, तो इधर मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाया है, गेट इट, बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम और भी करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेता हूँ, चलो मैंने ऐसे लिखा एक्स प्लस टू का मॉड, तो मैं कैसे लिखूँ इसको, हाँ मैंने बोला मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव कब है,
माइनस टू से बड़े एक्स के लिए, मैंने कहा अगर एक्स माइनस टू से बड़ा होगा, अगर एक्स माइनस टू से बड़ा होगा, कैसे मैंने कैसे लाया ये, इसको बस ये कर दो, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इधर क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू, तो अगर एक्स माइनस टू से बड़ा है, सुनना ध्यान से मैं कैसे स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसी को, अगर एक्स माइनस टू से बड़ा है तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज पॉजिटिव, हेंस इट विल बी ओपन डायरेक्टली, कब, इसके लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू के लिए। और जब मेरा एक्स, जब मेरा ये अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव है जिन जिन एक्स के लिए, तो अब पॉजिटिव आ रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू के लिए, तो ऑफकोर्स नेगेटिव कब आएगा, एक्स लेस देन माइनस टू के लिए, तो फॉर एक्स लेस देन माइनस टू इट विल बी ओपन विथ नेगेटिव साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू ओपन द मॉड, मॉड क्या करना है हमें, मॉड के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है हम क्या देखेंगे, वो कब पॉजिटिव है, जिन एक्स के लिए पॉजिटिव है ना, उन एक्स के लिए मॉड को आई विल रिमूव डायरेक्टली, और अंदर वाला एक्सप्रेशन जिन एक्स के लिए नेगेटिव है उन एक्स के लिए आई विल ओपन द मॉड, फाइनल डेस्टिनेशन तो ओपन करना ही है मॉड को, बट आई विल एड एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। जैसे एक आध और लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, तो मैं क्या लिखूंगा, दो चीज़ें होंगी, या तो ये डायरेक्टली ओपन होगा या एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, बाहर नेगेटिव आएगा, कब कब क्या होगा देखते हैं। तो मैंने कहा एक्स प्लस वन पॉजिटिव कब होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो उधर से क्या आया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन के लिए तो ये डायरेक्टली ओपन होगा, और एक्स लेस देन माइनस वन के लिए द मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर हो बच्चों? चलो तो फिर अभी के लिए यहीं एंड अप करते हैं, और फिर कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल से थोड़ा सा अपन ड्यूरेशन लेक्चर का बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी तक मैं 40 टू 45 मिनट्स रखता था, अब 10 मिनट्स थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, विल मेक इट टिल सवा घंटे अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, धीरे धीरे, बट सो दैट्स इट, थैंक यू।